हाथरस के चंदवा थाना इलाके के गांव में हैवानों की हैवानियत सामने आई है, जहां गांव के ही चार हैवानों ने एक दलित लड़की के साथ जबरन गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी जीप काट ली। इस खबर पर हमारे साथ अजय कुमार जुड़ गए हैं। अजय कुमार, क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि घटना जो है 14 सितंबर की है, जब युवती अपने माता और अपने भाई के साथ में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई थी, जिसके बाद में भाई जो है चारा लेकर खेतों से गांव घर पे वापस पहुंच गया और माता को दूरी पर जाकर जो है घर काटने लगी थी। वही लड़की युवती को अकेला देख चार युवक गाँव के रहने वाले युवती को बाजरे के खेत में खींच कर ले गए, जहाँ वही बच्ची के साथ दलित किशोरी के साथ में गैंगरेप की घटना को दिया अंजाम दिया गया था। जिसके बाद जब बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मां मौके पर पहुंची, जिसके बाद गैंगरेप करने वाले चारों और मौके से भाग गए। बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को नाजुक देखते हुए अलीगढ़ के जीएम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले को लेपा पोते करने की कोशिश की गई, जहां घटना गैंगरेप की थी और एक दलित किशोरी के साथ में इस तरह की हैवानियत की हदें पार की गई, तो वही पुलिस ने जो है धारा 307 का मुकदमा दर्ज करते हुए एक युवक के खिलाफ मुकदमा पहल की। उसके बावजूद उस युवक को पकड़ा नहीं गया और जो गैंगरेप की घटना थी उसको दरकिनार करते हुए छिड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या इस घटना को लेकर कोई चश्मदीद गवाह सामने आया है? अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या इस घटना को लेकर कोई चश्मदीद गवाह सामने आया है या नहीं? देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना को आज 10 दिन ले चुके हैं, अब लोगों का जो वहां पर बच्ची के पास में आना जाना लगा हुआ है, जहां घटना के अंजाम देते हुए गैंगरेप के आरोपियों ने बच्ची की जीप को काटने की कोशिश की गई थी, ताकि अपना मौके के सामने खोल सके, वही गला दबा कर भी हत्या करने की कोशिश की गई थी। जब इससे भी ऐसी दरोगा का मन नहीं भरा तो उसके बाद में बच्ची की रेड़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके बाद में बच्ची के दोनों हाथों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। घटना के 8 दिन बाद होश में आई युवती ने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उसके साथ में हैवानियत की हदें पार की गई थी और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद में कांग्रेस के भी नेता कुछ मिलने के लिए बच्ची को खोज पास पहुंचे थे और उनके परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है कि हर तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। वही सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची के साथ में हुई इस घटना के बाद में आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा रहा कि उनके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा ना दर्ज हो सके। कहीं ना कहीं इसमें हाथरस जिले के पुलिस प्रशासन की भी दिली भगत है। वही दबंगों द्वारा बच्ची के माता पिता के अंदर इस तरह का खौफ था कि वो अपनी जुबान भी नहीं खोल पा रहे थे। इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, घटना के बाद में कार्रवाई की क्या की गई, इसमें कार्रवाई पुलिस ने केवल इतना की गैंगरेप की घटना को जैसी घटना को इन्होंने मुकदमा ना दर्ज करके छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अजय कुमार आपका। प्रशासन के लाख कार्रवाई के बाद भी दुष्कर्म गैंगरेप जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन बढ़ती ही जा रही है और प्रशासन इस मामले पर मौन बना हुआ है। फिलहाल हमारे यूपी के बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।